कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों चुनाव प्रचार के लिए गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी को टॉयलेट जाना था, लेकिन वो गलती से लेडीज टॉयलेट में चले गए। हालांकि गलती का एहसास होते ही राहुल कुछ ही सेकंड में बाहर आ गए। कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी टाउन हॉल से निकले थे, उन्हें फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाना था। एक तरफ टॉयलेट्स के दरवाजे पर गुजराती में महिलाओं माटे शौचालय यानी महिलाओं के लिए शौचालय लिखा था, जबकि दूसरी तरफ पुरुषों के टॉयलेट्स थे। दोनों टॉयलेट्स में जेंट्स लेडीज के साइन नहीं बने थे, जिसकी वजह से राहुल गांधी गुजराती में लिखा पढ़ नहीं पाए और गलती से लेडीज टॉयलेट्स में जा घुसे। इस दौरान बाहर खड़े SVG ने मीडिया वालों को ये कहते सुन लिया कि राहुल गांधी लेडीज टॉयलेट में चले गए हैं। SPG अधिकारी कांग्रेस उपाध्यक्ष को रोकने के लिए जा ही रहे थे कि तभी राहुल तेजी से बाहर आ गए। इस दौरान कुछ फोटोग्राफर्स ने लेडीज टॉयलेट से निकलते ही उनकी तस्वीर खींच ली। इस घटना से राहुल गांधी कुछ असहज नजर आए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।